हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राय सिंह आप सभी भाइयों का आरएस मशीनरी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से हाफ न्यूमैटिक मशीन जो होती है ना, उसको फुल न्यूमैटिक अपने घर पर ही कर सकते हैं। लेकिन मशीन दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज की जानकारी देना चाहता हूँ कि जो लोग यूट्यूब पर देख कर और सस्ती मशीन जो खरीदते हैं और वो मशीन कितनी महंगी पड़ती है, वो आज मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये मशीन इस टाइम मैंने इसको फुल न्यूमैटिक कर दिया है। और इस मशीन में क्या क्या सामान नहीं था, पहले तो इसका रेट समझ लीजिए कि जब ये हाफ न्यूमैटिक मशीन थी, जब ये 160 की मशीन थी, उसके बाद अभी इसमें जो 60,000 रुपये का और सामान लगा है, तो अब ये 2,20,000 रुपए की पूरी मशीन हो चुकी है। अब इसी मशीन को स्टार्टिंग में ही अगर पूरा सामान के साथ लेते तो हो सकता है आपको 2,00,000 से कम में भी मिल सकती थी ये। यानी कि इस मशीन में अभी 30-40,000 रुपए जो लगा है वो ज़्यादा ही लग गया है, क्योंकि अब ये घर पर सामान आया है, इसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज है, सामान है, जो भी खर्चा जो हुआ है ना, ये 2,00,000 से ज्यादा का सामान हो गया है। अब इसमें अब देखिए, इसमें जो सामान है ये पूरा देखिए, अनवाइंडिंग का जो सेट है, ठीक है, ये पूरा वाइब्रेटर का सेट है, ये यहाँ पर वर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना इसमें। ये इधर आके दिखा दीजिए, देखिए ये वर्टिकल लगाया हुआ है, इसमें जगह नहीं थी तो इस बॉडी को ऊंचा किया है। ये देखिए, यहाँ पर हमने एंगल लगाया है ये, ठीक है। तो इस मशीन में जब ये 50-60,000 रुपए खर्च हुए है ना, तो आप समझिए ये मशीन कितनी महंगी हो चुकी है। तो लोग जो सस्ता समझकर और अच्छा समझकर जो खरीदते हैं, तो पहले उन लोगों से हमारा कहना है कि पहले वीडियो को देखिए कि भाई कौन कौन सी मशीन में क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या सामान है, किस तरीके की मशीन है, कौन सी मशीन देंगे। तो जब ये सामान पूरा अगर आप देखेंगे पहले वीडियो में, तो आपको जानकारी हो जाएगी कि भाई मशीन ये वाली मुझे मिलेगी। अब आपको क्या दिखाया जाता है, किस तरीके से दिखाया जाता है, क्या बताया जाता है, वो एक अलग बात है। दूसरी चीज ये है कि मशीन खरीदने के बाद आपको सामान की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि रोल हो गया, मटेरियल हो गया, मसाला हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको मशीन के साथ में खरीदनी पड़ती हैं। अब इन भाई साहब को ये देखिए, जो रोल लगा हुआ है स्टेम मशीन पर, ये इनके पास ये रोल रखे हुए हैं, और भी इनके पास में अभी मेरे हिसाब से 10-15 रोल और हैं। एक भी रोल ऐसा नहीं है जिसका लेमिनेट सही हो। बेशक ये सस्ता मिला हो, महंगा मिला हो, ठीक है, लेकिन जिसने बेचा है, जिसने खरीदा है, अब खरीदने वाले का तो इतना नुकसान हो गया है। इस टाइम मैं बिलासपुर में हूँ, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब यहाँ से सामान अगर कोई उठा के ले जाता है तो समझिए कि कितना ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा, आने में कितना लगा होगा, अब वापस होगा कि नहीं होगा, तो ये तो नुकसान ही हुआ ना। तो हमारा कहना यही है कि मशीन खरीदने से पहले, सामान खरीदने से पहले आप पूरी जानकारी लीजिए, फिर मशीन को और सामान को खरीदिए। तो देखिए, अब ये पूरी मशीन को अब मैं चला के दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ये मशीन चल रही है, किस तरीके से अपना काम करेगी। देखिए, जो बातें बतानी थी वो तो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन अब इस मशीन को एक बार चला के भी दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से ये रन कर रही है। चलो डाल दो। उधर से जाओ, वाइब्रेटर चलाओ। हल्का हल्का हटाते रहो।
बंद कर दो, अरे बंद कर दो वो वाइब्रेटर। खाली वाइब्रेटर बंद कर दो, बाकी चलने दो। खींचना नहीं, खींचो मत, आराम से बिल्कुल हटाते जाओ। तो हमारा कहना यही है कि मशीन खरीदने से पहले, सामान खरीदने से पहले आप पूरी जानकारी लीजिए, फिर मशीन को और सामान को खरीदिए। देखते रहिए आरएस मशीनरी यूट्यूब चैनल, ऐसी जानकारी और देता रहूंगा मैं आपको। नमस्कार।